खबरें जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हों जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक और शहर से लेके गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। काले कारनामों से तैयार किया जा रहा है सफेद दूध, पुलिस ने भेजा जेल। आपको बताते चले कि जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के अंतर्गत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस द्वारा काले कारनामों से तैयार किए जा रहे अवैध दूध सहित अन्य उपकरणों के साथ 3 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि थाना गांधी पार्क के अंतर्गत बोनेर तिराहा से 500 मीटर सासनी की तरफ एक 4 दीवारी में काले कारनामों से सफेद नकली मिश्रित दूध तैयार किया जा रहा था। किसी तरह इसकी सूचना पुलिस को लग गई। इस सूचना पर एसएसआई रामेंद्र सिंह, मैं एसओजी टीम हमराज चौकी प्रभारी धनीपुर, उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव, मैं पुलिस बल के साथ मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर किवाड़ से झांककर देखा तो कुछ लोग नकली दूध, केमिकल, ग्लूकोज, यूरिया, कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट पाउडर गिनर्जी से मिश्रित मिलावटी नकली दूध तैयार कर रहे हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर केमिकल, ग्लूकोज, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, गिरनी, यूरिया, रिफाइन व दूध बनाने के उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक मशीन व 2 टैंकर जिनमें एक में पानी व एक में नकली दूध भरा था। मैं नकली दूध जिसमें 3 प्लास्टिक की शीशी बतौर सैंपल परीक्षण हेतु लिया गया। नकली दूध व नकली दूध बनाने के उपकरण केमिकल, ग्लूकोज पाउडर, यूरिया, डिटर्जेंट सोडा, दूध नापने व फैट नापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन व सूक्ष्मदर्शी मशीन व 2 टैंकर पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इस मौके पर सीओ पंकज श्रीवास्तव सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा तो वहां पर 2 टैंकर मिले और साथ में कुछ बना हुआ दूध मिला और कृत्रिम दूध बनाने के लिए यूरिया और ग्लूकोज वगैरह चीज़ें साथ में ऑयल ये सब चीज़ें बरामद हुई जिनसे वो दूध बनाते हैं। 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और पूरे चेन के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग बनाते थे और कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे इसको। इस पूरे प्रकरण में जो दूध आता था उसको दूध के सेफ्टी वॉल्व को काटने की और तरह तरह की चीज़ें, वेल्डिंग की चीज़ें बरामद की गई हैं। काफ़ी बड़ी पुलिस की कार्रवाई है। स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक वस्तुओं की बरामदगी की गई है, खास करके चूँकि यूरिया स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसको दूध में मिलाया जाना मेरी समझ से बहुत बड़ा अपराध है और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये सप्लाई कहाँ दे रहे हैं सर? इसी के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये टैंकर जो अब तक जो जानकारी मिली है कि टैंकर्स बाहर से लाए जाते थे दूध के और उसका जो सील होती थी सील को काट करके और नया सील लगा देते थे, वेल्ड कर देते थे उसमें और दूध कुछ ओरिजिनल दूध को निकाल करके दूसरे टैंकर में डाल देते थे और कृत्रिम दूध को उस दूध में मिला देते थे। इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी और इसमें अभी लेकिन गहन पूछताछ की जा रही है, गहन जानकारी की जा रही है और भी लोगों के प्रकाश में आने की संभावना है और जो भी लोग इसमें आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।